हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टडी करेंगे। बट बिफोर डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट अस रिवाइज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, जैसे आपने प्लस वन में भी किया था, साइन इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू माइनस वन वन, क्लोज इंटरवल है। यानी कहने का मतलब ये है, इसका डोमेन ऑल रियल है और रेंज है माइनस वन टू वन। यानी कि अगर आप इस तरह से देखें, अगर ये जीरो नंबर लाइन पर, ये कहीं वन माइनस वन, तो सारी की सारी वैल्यू है माइनस वन और वन के बीच में लाई करती हैं। इसी तरह से कोस एक्स भी इज ए फंक्शन है फ्रॉम आर टू माइनस वन वन, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि फंक्शन सभी के लिए, दोनों साइन और कोस दोनों ही डिफाइंड होते हैं, माइनस वन और वन के बीच में ये लाई करते हैं। इसका रीजन ये होता है, अगर आपको ये इनिशियल लाइन ले और ये रिवॉल्विंग लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, समझ गए कि नहीं। तो हमेशा परपेंडिकुलर है, लेस देन हाइपोटेन्यूज रहता है, लेस देन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर है। सपोज करो ये टू लिख दिया मैंने और ये थ्री लिख दिया, तो ये नंबर है लेस देन वन रहेगा, लेकिन जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा रिवॉल्विंग लाइन के साथ, तब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं, तो केवल उसी केस में वन आएगा। इसी तरह से ये तो मैंने अक्यूट एंगल का लिया, ऑब्ट्यूज में माइनस वन आएगा, सेम ऐसे ही हाइपोटेन्यूज है जो वो ग्रेटर होता है बेस से, तो कोस के केस में भी सेम रीजन है। अब आपको समझ में आ गया इनके डोमेन और रेंज ऐसे क्यों होते हैं। अब है टेंजेंट, टेंजेंट इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम आर टू, ये सभी के लिए डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि आप टेंजेंट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कोई भी है, साइन थीटा पॉन में कोस थीटा, कोस थीटा कब कब जीरो होता है, ये नॉट डिफाइंड बन सकता है, जैसे कोस 90 और सारे ओड मल्टीपल ऑफ 90 में जीरो होता है, तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होगा, तो ऐसे में हमें इसके ओड मल्टीपल इसमें से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा, दिस ऑल रियल एक्सक्लूडिंग द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसके इक्वल आएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 90, टू एन प्लस वन, ये ओड आ गया मल्टीपल ऑफ 90, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, टू ऑल रियल आ जाएगा, यानी कि इसका रेंज है ऑल रियल है। ऑल रियल इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से, तो उस केस में ये ग्रेटर देन वन होगा, और अगर बेस छोटा है ये हो जाए तो वो, यानी कि कहने का मतलब ये है, इस केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन वन भी हो सकती है, लेस देन वन भी हो सकती है, इसलिए ऑल रियल आ गया। ठीक है, टेंजेंट के बाद हम कोट लेते हैं, कोट इज ए फंक्शन इसमें फ्रॉम ऑल रियल, इसमें भी क्या होगा, इसमें कोस थीटा अपॉन कोस अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा भी डिफाइंड नहीं होता, जैसे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन जीरो, साइन पाई, साइन टू पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई एंड सो ऑन, सभी के लिए जीरो होता है, तो ऐसे केस में हमें इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल, सेम उसमें भी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है, इसलिए ये आ जाएगा कोट के केस में। अब नेक्स्ट है सिकेंट इज ए फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल टू, वही वन बाई कोस, सेम है कोस इसमें आया था, तो ये आ जाएगा, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 90 को एक्सक्लूड कर दो, सेम आएगा एन बिलोंग टू इंटीजर,
तो ये आ गया, इसमें सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी आर, क्योंकि बेस है 1/cos हो जाएगा, -1 1 को छोड़ के ये ग्रेटर देन 1 या माइनस आ जाएगा, तो ये एक्सक्लूडिंग -1 1, ठीक है, इसमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा सिकेंड थीटा की न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 होती है, ये आएगा। इसी तरह से कोसिकेंट, कोसिकेंट इज ए फंक्शन ऑल रियल, इसमें हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा साइन, साइन वाला केस है, एन पाई ऑफ दिस सेट ऑल एक्स है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई, समझ गए, यहाँ भी एन पाई था, सॉरी इसको टू एन पाई की बजाय एन पाई था, एन बिलोंग टू इंटीजर आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग आर -1 1, ये भी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 होता है, इनकी वैल्यू को छोड़कर बाकी ये सारे इसके आंसर होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि बेसिक कंसेप्ट जरूरी थे हमारे लिए, इनको अच्छी तरह से आप माइंड में रखें। थैंक यू।